दोस्तों जिस तरह अभिनेत्री सुष्मिता सेन अपने रिलेशनशिप को लेकर खबरों में बनी रहती है, उसी तरह उनके भाई भाभी राजीव सेन और चारू असोपा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा की खबरों में बने रहते हैं। कपल की लड़ाइयां और पैचअप की खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती है। 2 महीने पहले खबरें थी कि दोनों रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं और तलाक ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट जाने से एक रात पहले दोनों में सलाह हो गई और उन्होंने बेटी जियाना की खातिर रिश्ते को एक और मौका देने के बारे में सोचा। लेकिन अब लगता है कि उनकी शादी को बचाने की सारी कोशिश फेल हो रही है और अब चारू ने तलाक लेने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, तो आखिरकार किस वजह से चारू ने फिर से अपने रिश्ते को तोड़ना चाहा है, चलिए जानते हैं हमारी इस वीडियो के जरिए। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान चारू ने राजीव संग अपने रिश्ते पर बात की। चारू का कहना है कि दिक्कत यह है कि राजीव हर लड़ाई के बाद बिना बताए गायब हो जाते हैं। हमारी जब से शादी हुई है तब से हमारे बीच लड़ाइयां हो रही है। राजीव हर लड़ाई के बाद हफ्तों और महीनों के लिए गायब हो जाते हैं और मुझे ब्लॉक कर देते हैं ताकि मैं उन तक पहुंच ना सकूं और जान ना सकूं कि वो कहाँ हैं। लॉकडाउन के कुछ दिन पहले वो मुझे 3 महीने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मैं अकेली थी, मुझे एहसास हुआ कि वो 45 साल के हैं और मैं उन्हें बदल नहीं सकती। हमारे बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैंने सोचा था कि हमारी बेटी जियाना के लिए हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजीव तुर्क मिजाज है, गाली दे चुके हैं और 1 या 2 बार मुझ पर हाथ भी उठा चुके हैं। जब मैं अकबर का बल बीरबल की शूटिंग कर रही थी तो उन्हें मुझ पर चीटिंग करने का शक भी हुआ था। उन्होंने मेरे को स्टार्स को मुझसे दूर रहने के लिए मैसेज भी किए, इससे मुझे काम करना मुश्किल हो गया। मुझे लगा कि वो मुझे चीट कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है जिसे मैं प्रूफ नहीं कर सकती। चारू ने आगे कहा, ये सबसे बड़ी गलती थी, ये और डर्टी हो जाएगा अगर ये शादी और खींची तो, ये जियाना के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। जब मैंने राजीव की चीजों के बारे में अपनी फैमिली को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं उससे अलग होने का निर्णय लेकर सही कर रही हूँ, मैं तलाक का प्रोसेस शुरू करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि इसके लिए वो बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए मान जाएगा।